गाइड 2:1 मतलब गियरलेस की मशीन में हम कैसे ऑलो डिवाइस से स्टार्ट करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले आपने करना क्या है, ये ऑलो डिवाइस है, उसका जो जहाज केबल निकला डाउन, ये वैको का LB2 मॉडल है, LB2 मॉडल, इसको हमने डाउन पे इंस्टॉल कर दिया है। तो जो केबिन सर आप आई टर्मिनेट हो रहा है यहाँ थिम्बल से, थिम्बल से जस्ट बोल्डो केब से जस्ट नीचे आपको लगाना है। अगर आप ज़्यादा नीचे लगा दोगे तो ये वापस उठ जाएगा, डैमेज होना चाहते हैं, इतना पर लगाना है आपको, लगा के उसको फुल टाइट करना चार स्क्रू से पीछे, सेपरेटर तो आप सेपरेटर थोड़ा इसको पीछे डाल के इसके हेल्प से चार ड्रॉप को सेपरेट इस पर फुल एलर्जी से चारों सेट करना। उसके बाद इसका आउटपुट सिंगल को केबल में कनेक्ट करना, अरे ये केबल के थ्रू आपको लेके जाना है कंट्रोलर। तो हमने इसको कर दिया है इसे, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हमने स्टोर किया। देख सकते हो ये ड्रॉप, इसके चारों ड्रॉप है, इसके सेंटर से क्रॉस करना चाहिए, सेंटर में चारों ड्रॉप क्रॉस किया और दो इधर लगा दिए, दो इधर ये डिवाइस ना इस ड्रॉप पे फुल्ली टाइट हो चुका है, इसको फुल्ली टाइट करना लूज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने इसका सेंसर का आउटपुट को कनेक्ट करके इस केबल के थ्रू हम ले जा रहे हैं इसके कंट्रोलर में। अगर 1:1 है तो ऐसे लगेगा, अगर 2:1 है तो यही ड्रॉप यहाँ पे इसमें सीप लगा होता है फुल्ली, वहाँ से ऐसे डायरेक्ट मोटर से आती रहती है। तो आपको मोटर केबिन के ऊपर ही वाले पॉइंट पर आपको लगाना है। 2:1 है, 2:1 में क्या है, रॉक केबिन से होकर आके यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है, इसके ऊपर हमने लगा दिया। और 1:1 में क्या होगा, मोटर से आके रॉक सीधा केबिन में यहाँ पे आकर टर्मिनेट हो रहा होगा, तो वहाँ लगेगा। तो ये बात आपको याद रखना। देख सकते हो वैको का LB2 मॉडल पावर लूम डिवाइस है, तो LB2 सीधे हमने इंस्टॉल कर दिया, वो इंस्टॉल हो रहा था वहाँ से। और ये केबल के थ्रू हमने केबल के थ्रू वायरिंग पर ला के पूरा सेपरेट मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, हमने इसमें अलग इसमें ला कर वो जो केबल आ रहा था, वो ये वाला केबल इस डिवाइस के अंदर कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ से ये मोटा वाला केबल आउटपुट का केबल है, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर इंटीग्रेटेड कंट्रोलर है ना तो उसमें ज़्यादा आउटपुट इनपुट नहीं देना पड़ता, ओनली इसको ऑन होने के लिए 24 वोल्ट सप्लाई और एक एनो पॉइंट लेके, जैसे सेंसर का होता ना वैसे सेंसर का एक एनो पॉइंट लेके इसका हमें एक पॉइंट्स पे देना पड़ता है, वो बता। तो ये इसका दोस्तों केबल है, देखिए केबल में आउटपुट सब, ये सब रिले आउटपुट है, एक रिले आउटपुट ये है और एक रिले आउटपुट ये है और एक रिले आउटपुट वाइट येल्लो है। तो हमने क्या किया, जो रेड और ब्लैक को 24 वोल्ट दे दिया सप्लाई, तो वो डिवाइस ऑन हो गया और वहाँ से, तो उसके बाद हमने एक आउटपुट ले लिया। तो उसमें हर एक कंट्रोलर का पॉइंट होता है, इसका 90 डिग्री है, जैसे 90 डिग्री पर सिग्नल जाएगा तो लिफ्ट कंट्रोल पास जाएगा, लिफ्ट ओवरलोड हो गया है। हमने 24 वोल्ट कॉमन लिया और 93 पे हमने इस वजह से आगे जो भी इंटीग्रेटेड कंट्रोल उसका पॉइंट्स है 93 पे जैसे आएगा तो ओवरलोड होगा। उसके बाद हमें आउटपुट लेके एक आउटपुट हमें लेना पड़ेगा, जिससे आउटपुट देगा उस टाइम, जिससे पता चल जाएगा वॉइस कार्ड में बताएगा ओवरलोड। हमने एक Y21 लिया, Y21 निकाल के हमने ओएल में डाल दिया ओपे।